हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रितिका शर्मा, टीचर ऑफ एम्बी इंटरनेशनल स्कूल, नया गांव, कोटा। सो किड्स, आवर टुडेज टॉपिक इज यूज ऑफ हैज एंड हैव। सो किड्स, फर्स्टली वी विल लर्न हाउ टू यूज हैव। हैव हमेशा किसके साथ लगता है? आई के साथ। आई के साथ हमेशा हैव का यूज होगा, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ पेंसिल, मेरे पास पेंसिल है, एक पेंसिल है। यहाँ पे भी आई है, इसलिए हमने हैव का यूज किया है। आई हैव एन एप्पल, मेरे पास एक एप्पल है। I have a candy, मेरे पास एक कैंडी है। I have a ball, मेरे पास एक बॉल है। I have a car, मेरे पास एक कार है। See the spelling, H-A-V-E, have की spelling क्या होती है? H-A-V-E, have, और have हमेशा किसके साथ लगता है? I के साथ लगता है। Now, let's learn use of has. Has का यूज किसके साथ होता है? Has का यूज हमेशा होता है शी के साथ और ही के साथ। Has का यूज हमेशा शी और ही के साथ होगा। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज एन अम्ब्रेला, उसके पास एक अम्ब्रेला है। शी हैज, यहाँ पे शी है, दैट्स व्हाई हमने हैज का यूज किया है। ही हैज अ पेन, उसके पास एक पेन है। ही और शी के साथ हमेशा हैज का यूज होता है। शी हैज अ डॉल, उसके पास एक डॉल है। ही हैज अ काइट, उसके पास एक काइट है। शी हैज अ बुक, उसके पास एक बुक है। नाउ सी द स्पेलिंग, हैज की स्पेलिंग एच ए एस, हैज, और हैज हमेशा किसके साथ लगता है? शी के साथ और ही के साथ। सो होप यू लर्न दिस स्पेलिंग्स एंड यूज ऑफ हैज एंड हैव। थैंक यू।